आम आदमी पार्टी के नेता और एमसीडी प्रभारी दुर्गेश पाठक ने बताया है कि आम आदमी पार्टी ने राजेंद्र नगर विधानसभा उपचुनाव से पहले वायदा किया था और अब वो पूरा होने जा रहा है। दिल्ली के राजेंद्र नगर निवासियों को जल्द ही रेलवे ब्रिज की सौगात मिलने वाली है। राजेंद्र नगर के इंद्रपुरी रेलवे ब्रिज का जल्द ही निर्माण कराया जाएगा। आम आदमी पार्टी ने राजेंद्र नगर विधानसभा चुनाव से पहले वादा किया था कि इंद्रपुरी रेलवे ब्रिज का निर्माण होगा। अब ऐसे में राजेंद्र नगर से विधायक और एमसीडी प्रभारी दुर्गेश पाठक ने बताया है कि जो वादा राजेंद्र नगर की जनता से हमने किया था वो पूरा होने वाला है। इंद्रपुरी हॉल्ट के पास के रेलवे ब्रिज पर दोपहिया गाड़ियों के आगमन की शुरुआत करेंगे। लगभग एक साल हो गया वहाँ पर विधायक बने हुए, फिर उसके बाद हमारी एमसीडी में भी सरकार आई, एमसीडी से हमारी वहाँ पे पार्षदा ज्योति जी भी जीती। मैं ब्रीफली थोड़ा सा इशू बता देता हूँ आप लोगों को कि इशू क्या था। आप लोगों ने देखा होगा कि एक वहाँ पे ब्रिज है जो नारायणा को इंदरपुरी के साथ जोड़ता है, वो ब्रिज अचानक से क्लोज कर दिया गया। उस पर कह दिया गया कि सिर्फ आप पैदल मूव कर सकते हैं, गाड़ियाँ इसके ऊपर से नहीं जा सकती। बड़ा संघर्ष हुआ, लोग कोर्ट भी गए, लोगों ने बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी। राजेंद्र नगर के इंद्रपुरी रेलवे ब्रिज का जल्द ही निर्माण होगा। बता दें, बुद्ध नगर से इंद्रपुरी, इंद्रपुरी से नारायणा या फिर नारायणा से इंद्रपुरी जाने वालों के लिए पूरा रास्ता बंद है। इसी की वजह से लोगों को गोल चक्कर से होते हुए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। आप विधायक दुर्गेश पाठक ने बताया कि इसके लिए संघर्ष करना पड़ा है। अब इंद्रपुरी में ब्रिज तोड़कर नया ब्रिज बनाया जाएगा जिससे लोगों को जाने आने में आसानी हो जाए, साथ ही लोगों का काफी खर्चा भी बचेगा। ब्रिज के दोनों तरफ एमसीडी की जगह थी और जब तक एमसीडी जगह नहीं देती तब तक वो ब्रिज नहीं बन सकता था। एमसीडी की तरफ से मंजूरी मिल गई है, अब ये ब्रिज जल्द ही बन जाएगा। एक नया ब्रिज बनाने का काम जल्द से जल्द शुरू कर देगा। ये एक बहुत बड़ी समस्या थी क्योंकि बहुत सारे लोग जो कि बुद्ध नगर से, इंदरपुरी से नारायणा की तरफ जाते थे या नारायणा के लोग जो इंदरपुरी आते थे दूसरी तरफ, उनके लिए एक तरीके से पूरा का पूरा रास्ता बंद हो गया था और उनको सबको सर्कल लेके 3 से 4 5 किलोमीटर दूरी या तय करके आना पड़ता था। कई बार ऑटो करते थे, कई बार बस करके जाना पड़ता था और एक तरीके से हर एक व्यक्ति के ऊपर 100 से 150 रुपए का एक्स्ट्रा चार्ज हर दिन लगता था। इस ब्रिज के बनने के बाद वो सारा का सारा एक तरीके से जो लोगों को दिक्कत आती थी वो दिक्कत खत्म हो जाएगी। बहरहाल राजेंद्र नगर वासियों को बड़ी राहत मिलेगी। जो लोग बुद्ध नगर से इंद्रपुरी या इंद्रपुरी से नारायणा की या फिर नारायणा से इंद्रपुरी जाते थे उनके लिए पूरा रास्ता बंद हो गया था जिसकी वजह से लोगों को गोल चक्कर से होते हुए 4 से 5 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती थी। अब ऐसे में लोगों को जल्द राहत पहुंचेगी। ब्रिज के निर्माण होने से लोग अपने वाहन से आराम से आ सकेंगे। टोटल न्यूज के लिए देवेश कुमार की रिपोर्ट।